नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में कोरोना पॉजिटिव का जब भी अपडेट आता है तो मुंगेर जिला का जिक्र उसमें ज़रूर होता है। शायद ही ऐसा कोई अपडेट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया गया हो जिसमें मुंगेर का कोई कोरोना पॉजिटिव ना हो, और सबसे ज़्यादा मुंगेर ही इस कोरोना पॉजिटिव से प्रभावित है। अब वहाँ के जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ से जूझ रहे हैं। DIG मनु महाराज हैं, वो बता रहे हैं कि आखिरकार मुंगेर में संक्रमण बढ़ने का क्या कारण है और संक्रमण कैसे और तेजी से बढ़ता जा रहा है। सुनिए। जमालपुर में नालंदा से एक व्यक्ति आए थे जिनका ट्रैकिंग हम कर रहे थे और उसके बाद उनको पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद हमको कुछ गुप्त सूचना मिली कि कुछ और एक दो ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके संपर्क में थे और आसपास घूम रहे हैं। तो उस गुप्त सूचना के आधार पर जब हमने उन लोगों का टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव पाया गया। उसमें से एक सब्जी वाले थे और एक ऐसे सिविल सोशल वर्कर भी थे। तो हमारी चिंता और बढ़ी। उसके आधार पर हमने रैंडम सैंपलिंग करवाई उस मोहल्ले की और उनकी कंटेक्ट ट्रेसिंग करवाई। कंटेक्ट ट्रेसिंग और रैंडम सैंपलिंग के आधार पर फिर हम लोगों ने वो मोहल्ला, वो गली, वो वार्ड चिन्हित कर लिए। उसमें कंटेनमेंट जोन बनाया और एक बफर जोन बनाया और जितने भी वार्ड थे उनके प्रत्येक व्यक्ति का रैंडम सैंपलिंग के आधार पर और जो व्यक्ति सामने आए अपनी मर्जी से उनका टेस्ट करवाया गया। उसमें से जो भी पॉजिटिव पाए गए उनको आइसोलेशन सेंटर में रखा गया और ये कंटेक्ट ट्रेसिंग जो है हमारा लगातार अभी चल रहा है। उसके अलावा रैंडम सैंपलिंग भी चल रहा है। वो एरिया जो है बिल्कुल सील्ड है और अब जो टेस्ट आ रहे हैं उनको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। सर, वो घूमे हुए थे कई जगह, उसमें नालंदा भी गए थे तो उनकी ट्रेवल हिस्ट्री कई जगह की थी, नेपाल भी गए थे, कई जगह गए थे। उसके अलावा भी अब उसके अलावा भी जो एक दो व्यक्ति जो घूम रहे थे उनको भी हम संदिग्ध पाया और उसके आधार पे हम लोगों ने ट्रैकिंग किया। जाहिर सी बात है कि वो एक बहुत ही घनी आबादी वाला मोहल्ला है, वार्ड्स हैं, गली गली है, वहाँ पे सब्जी बेचने वाले भी रहते हैं जो सब्जी बेचते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं लगातार। दूध बेचने वाले भी हैं जो लोगों के संपर्क में आते हैं। तो ऐसे कई जगह है जहाँ पे लोग संपर्क में निश्चित रूप से आते हैं। बहुत घनी गली है, घना आबादी है, तो जाहिर है कि वहाँ पे एक दूसरे से लोगों को हुआ है और हम लोगों का प्रयास है कि वो जल्द से जल्द कंटेन हो जाए। तो आपने सुन लिया, DIG मनु महाराज ने साफ तौर पर कह दिया कि गलियां बहुत सकरी हैं, इलाके बहुत घने हैं और उन्होंने बताया कि जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र का अधिकांश वार्ड घनी आबादी और संकरी गलियों वाला है जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक संक्रमित मरीजों के सामने आने का प्रमुख कारण हो सकता है। नगर परिषद क्षेत्र का 18, 19, 20 और 22 के साथ 23 नंबर वार्ड सबसे अधिक घना आबादी वाला है और यही वजह है कि वहाँ पर इस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं और मरीजों की बहुतायत देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें पॉजिटिव मरीज़ की तो अब तक जितने ही पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उनमें अधिकांश लोग सब्जी, फल और दूध के व्यवसाय से जुड़े लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार से जमात से लौटे वृद्ध या उनके परिजनों के संपर्क में आ चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से जमालपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है उससे जमालपुर में घनी आबादी और संकरी गलियों के कारण भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन गलियों में लोग आसानी से एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। हालांकि संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जमालपुर को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। तो DIG मनु महाराज ने भी साफ तौर पर बता दिया है कि आखिरकार मुंगेर के जमालपुर में कोरोना इतना क्यों तेज़ी से फैल रहा है। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।